वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पांच वीडियो लेक्चर आपको देंगे जिसमें से पहला लेक्चर हमारा होगा फेज शिफ्ट इन एसी कंपोनेंट के ऊपर दूसरा होगा फेज़र्स के ऊपर तीसरा होगा फेज़र डायग्राम और चौथा फेज़र कैलकुलेशन के ऊपर और जो पांचवा वीडियो होगा वो स्पेशल होगा कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चनस को समझने के लिए तो इस वीडियो लेक्चर में हम फेज शिफ्ट इन ए सी इस टॉपिक पर बात करेंगे और ये टोटल जो लेक्चर सीरीज होगी पांच वीडियो की होगी जिसमें हम फेज़ और फेजर डायग्राम के बेसिक्स को सीखेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला इसमें टॉपिक है ये है रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब एसी सर्किट में रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है तब वहां पे किस तरीके का फेस शिफ्ट देखने को मिलता है इन प्योर रजिस्टिव सर्किट इन प्योर रजिस्टिव सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज बोथ चेंज इन द सेम वे एक रजिस्टेंस के साथ जो एसी सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम तरीके से चेंज होते हैं जैसे कि अगर आपने साइनोसोडल वोल्टेज अप्लाई किया मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने पैरेलल में एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है तो अगर हमने साइनोसोडल वेवफॉर्म वोल्टेज वाला कनेक्ट किया है आर के साथ तो आर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा दैट शुड आल्सो बी अ साइनोसोडल वेवफॉर्म। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वोल्टेज हमने दिया वी एम और करेंट हमको मिला आई एम साइन ओमेगा टी तो इस तरीके से हमको वे फॉर्म मिलता है फिर से देखेंगे इसको आगे पढ़ लेते हैं द रिलेशनशिप इज़ ट्रू वेदर द अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग या हम डी सी वोल्टेज दें या ए सी वोल्टेज दें जो करेंट होगा वो अगर डी सी देते हैं तो करंट भी डी सी होगा ए सी देने से करेंट भी ए सी होगा और फेज शिफ्ट सेम रहेगा ठीक है ए सी में भी और डी सी में भी करेंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज शिफ्ट है वो सेम होता है रजिस्टेंस के लिए द मेन डिफरेंस इन ए सी सर्किट्स इज दैट द वोल्टेज कंटिन्यूज टू चेंज इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ इनपुट वेव ए सी सर्किट में जो लिटिल चेंज होता है वो ये होता है कि जो हमारा करेंट का जो वेव फॉर्म है ठीक है वो कैसा होगा वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है उसी के शेप का होता है अगर रजिस्टेंस है हमारे ए सी सर्किट में वेन अ साइन वेव वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ प्योर रजिस्टिव सर्किट जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब एक साइन वेव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एक रजिस्टिव सर्किट में देन इट प्रोड्यूसेस अ साइन वेव करेंट तब ये साइन वेव करेंट भी प्रोड्यूस करता है बोथ वेव फॉर्म्स अटेन दियर पीक वैल्यूज बोथ वेव फॉर्म अटेंड दियर पीक वैल्यूज मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम एंड पास थ्रू जीरो एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि जो दोनों वेव फॉर्म होंगे वोल्टेज के और करंट के वो अपने जो पीक हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और जो उनके जीरो पासिंग है उन दोनों को सेम टाइम पर अचीव करते हैं सेम टाइम पर होता है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं देखिए ये जो पीक है पीक वैल्यूज हैं वोल्टेज ग्रीन में दिया हुआ है और ब्लू कलर में करंट दिया हुआ है तो वोल्टेज का जो पीक आ रहा है और जो करंट का पीक आ रहा है दोनों ही देखिए सेम टाइम पर आ रहा है मतलब सेम एंगल पर आ रहा है ठीक है मतलब इसमें कोई तरह किसी भी तरीके का फेस शिफ्ट यहाँ नजर आ रहा है क्या नहीं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही दोनों के पीक आ रहे हैं अब जीरो क्रॉसिंग देख लेते हैं यहाँ पर देखिए जो हमारा वेव है वो जीरो पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ये जीरो वोल्टेज है ठीक है तो 180 डिग्री पर ही हमारा वो ग्रीन वाला वेव फॉर्म जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू वाला वेव फॉर्म जो कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों ही सेम पॉइंट पर आ कर के मिल रहे हैं मतलब कि बात यहाँ पर साफ हो गई कि पीक वैल्यूज़ और जीरो पासिंग वैल्यूज़ दोनों ही क्या है सेम टाइम पर होती हैं इसलिए वोल्टेज एंड करेंट इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट आर देयर फॉर सेट टू बी इन फेज विथ ईच अदर मतलब कि रजिस्टिव सर्किट में मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो इन फेज़ होता है दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं विथ ईच अदर इन फेज होने का मतलब है कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो फेस शिफ्ट है उसकी वैल्यू होती है जीरो डिग्री जीरो डिग्री फेस शिफ्ट होता है क्लियर है समझ में आई बात देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर ग्रीन वाले से हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है तो देखिए इसका जो फेज़र है वी एम में दिखा रहा है इसका एम्पलीट्यूड और इसके ऊपर रेड कलर में दिखा रहा है सॉरी रेड कलर में वोल्टेज को दिखा रहा है ठीक है और ग्रीन कलर में करंट को दिखा रहा है तो करंट को जो दिखा रहे हैं हम लोग उसका वैल्यू है आई एम और रेड कलर में वी एम दिखा रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू तो दोनों देखिए दोनों के बीच के एंगल में कोई डिफरेंस है क्या नहीं है दोनों क्या है सेम फेज में है क्लियर है यहां से समझ में आता है सिर्फ उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं क्योंकि जो हमारा आई होता है वो हो जाता है वी एम वाई आर साइन ओमेगा टी इस तरीके से हो जाता है तो वी एम बाई आर होने के कारण उसका जो एम्पलीट्यूड है कम हो जाता है करंट का इसीलिए जो करंट ग्रीन वाला जो है ये वेब फॉर्म ये करंट का है ये ग्रीन वेब फॉर्म और यहाँ तक है इसका एम्पलीट्यूड लेकिन जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो कहाँ तक है ए पॉइंट तक है ठीक है इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको क्लियर है यहाँ से ऐसा अगर आप मिलाते भी हो तो ये वी का हो जाएगा और ये आई का एम्प्लीट हो जाएगा तो इनका सेम फेज में रहता है इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा रजिस्टिव सर्किट है रजि, प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस शिफ्ट है वो जीरो होता है और ये इन फेस कहलाते हैं आप नॉर्मल उस पर भी कर सकते हैं जैसा अपन ड्रॉ करते हैं पॉइंट लेके ये मान लो हमारा वोल्टेज है वी फेज़र और ये क्या है हमारा आई है ठीक है इस तरीके से रजिस्टेंस के लिए हम फेजर डाइग्राम ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट है इंडक्टेंस इन एसी सर्किट्स एसी सर्किट में जो इंडक्टेंस होता है मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस कनेक्टेड होता है प्योर इंडक्टेंस ये वाला देखिए ये डायग्राम। इसमें एसी वोल्टेज सोर्स से हमने सिर्फ इंडक्टेंस को कनेक्ट किया है तो इसके लिए हम फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे और साथ में इनमें फेज शिफ्ट क्या होगा वोल्टेज और करेंट के बीच में तो उसको देखने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करेंट वे फॉर्म आर नॉट इन फेज जैसा कि रजिस्टेंस सर्किट में होता था वैसा इंडक्टिव सर्किट में नहीं होता इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज और करेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इन फेज नहीं होते इंडक्टेंस अपोजेज चेंज इन करंट ड्यू टू द बैक ईएमएफ इफेक्ट जो इंडक्टेंस होता है वो इंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इंडक्टर में से होकर फ्लो होने वाले करंट का चेंज का अपोज करता है मान लीजिए हमारे पास ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर में हमने करंट आई फ्लो किया है तो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस जिसको हम इसकी वैल्यू कैपिटल एल में होती है तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर इस इंडक्टर से होकर के कोई करंट फ्लो होता है और उसमें अगर चेंज आता है उस करंट में क्या आता है चेंज आता है तो उस करंट में होने वाले चेंज का ये इंडक्टर अपोज करता है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इसी प्रॉपर्टी के कारण इसी प्रॉपर्टी के कारण जो करंट होता है ठीक है करंट का जो पीक होता है वो वोल्टेज के पीक के कुछ देर बाद पहुंचता है दिस कॉजेज द करेंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू सम टाइम आफ्टर द वोल्टेज मतलब इसी कारण इसी प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा करंट का पीक वैल्यू होता है वो वोल्टेज के पीक वैल्यू के साथ ना आकर के कुछ पीछे आता है या कुछ बाद आता है मतलब कुछ समय के बाद आता है उसको हम वेव फॉर्म में देखेंगे वेव फॉर्म में देखिए जो करंट का पीक है देखिए वो कहाँ पर आया नाइन्टी डिग्री पर आ रहा है करेंट का पीक मैक्सिमम वैल्यू ब्लू कलर में जो आ रहा है और ये जो वोल्टेज का पीक है ठीक है जो कि ग्रीन कलर में है जीरो डिग्री पर आ रहा है इसका मतलब समझ रहे हैं डिग्री क्या है टाइम को बता रहा है ओमेगा टी को ठीक है ओमेगा टी को बता रहा है तो ओमेगा टी में अगर आप देखें तो टाइम बाद आ रहा है ना जीरो डिग्री पहले कौन आ रहा है आपका ग्रीन वाला वोल्टेज का पीक वैल्यू आ रहा है उसके बाद में आपका आ रहा है ब्लू वाले का पीक वैल्यू आ रहा है ठीक है क्लियर हो रहा है यहाँ से वेब फॉर्म से बस इसी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है और इन इन एन इंडक्टिव सर्किट इन एन इंडक्टिव सर्किट करेंट लैक्स वोल्टेज इसीलिए बोलते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है तो मान लो कि ये हमारा वोल्टेज है इंडक्टिव वोल्टेज तो हमारा करंट किधर होगा डाउनवर्ड होगा इसके बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का इसीलिए कहा जाता है ठीक है इसके वैसे फॉर्मूले भी हैं जैसे कि अगर आप देख जानना चाहो तो इंडक्टेंस का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल और आपको पता है इसको जे के फॉर्म में लिखा जाता है ठीक है अब देखिए अगर आपको करंट निकालना है तो आप क्या करेंगे वी डिवाइडेड बाई क्या लेंगे एक्सएल करेंगे क्लियर है तो एक्सएल किसके साथ आएगा जे के साथ आएगा जे ओमेगा आएगा इसमें तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो वी बाई एक्स एल और ये जे ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस नाइन्टी मतलब नाइन्टी डिग्री हमारा जो करेंट है वो कहाँ चला गया पीछे चला गया यहाँ से भी वो प्रूफ हो जाता है तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम दिया है ठीक है यहाँ पे वोल्टेज क्या है देखिए जो एंगल अपन पॉजिटिव देख रहे हैं ना यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं ठीक है एंटी क्लॉक वाइज दिशा में देखते हैं तब एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और करंट का एंगल कितना है 90 माइनस नाइन्टी आ रहा था ना करंट का एंगल तो करंट का एंगल माइनस नाइन्टी आ रहा है, मतलब वो 90 डिग्री अपन इस डायरेक्शन के अपोजिट लेंगे मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि वो माइनस में था एंगल और एंगल अगर प्लस में होगा तो वही एंगल हम कहा लेंगे किधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे ठीक है

देखिए एक साइकिल जो आपका होता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का अब इसका क्वार्टर बोल रहा है मतलब डिवाइड बाई क्या करेंगे फोर तो हमारा आंसर क्या आ गया 90 डिग्री आ गया आंसर ठीक है तो वही बोल रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब कि ये आई एल ब्लू वाला जो करंट है इसकी पीक वैल्यू ऑकर कब होती है ऑकर अ क्वार्टर ऑफ ए साइकिल ऑकर अ क्वार्टर ऑफ ए साइकिल आफ्टर दूज द वोल्टेज वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है ठीक है उसके क्वार्टर ऑफ साइकिल मतलब 90 डिग्री के बाद में जो करंट है ब्लू कलर का उसका पीक वैल्यू आता है इसीलिए इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा करंट है ठीक है ये ग्रीन कलर में और हमारा जो ये वोल्टेज है ठीक है तो वोल्टेज का जो फेज़र है उससे 90 डिग्री पीछे क्या है हमारा करंट का फेज़र है मतलब वो क्या है अगर एंटी क्लाक डायरेक्शन में देखें एंटी क्लाक डायरेक्शन में देखें तो हमारा जो वोल्टेज फेज़र है वो आगे है मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है किसको करंट को वोल्टेज क्या कर रहा है आपका लीड कर रहा है किसको करंट को समझ में आई बात वोल्टेज लीड्स करंट इसको और उल्टे तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो पीछे है किससे वोल्टेज से मतलब करंट लैग्स करंट लैग्स लैग मतलब पीछे है किससे वोल्टेज से इस तरीके से हम कर सकते हैं देखिए जो हमारा वेव फॉर्म है ये कैसा बढ़ता है जीरो से ऐसा बढ़ेगा आगे चलता जाएगा ठीक है तो वैसे ही ये जो फेज़र है वो कैसा होता जाता है ऐसा घूमता जाता है इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है ये देखिए हमारे पास एक वीडियो है इसमें देखते हैं हम लोग कैसे हो गए देखिए समझ में आई बात ये जो हमारा फेज़र है वो कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और हमारा जो वेब फॉर्म है देखो जीरो से कहाँ जा रहा है इस तरीके से 180 तक आया फिर कहाँ आया है 360 तक आ रहा है ये देखो ये 360 सिक्सटी में पहुँचा और ये जो फेज़र है हमारा किस तरीके से मूव कर रहा है वो देखिए आप समझ में आई बात कि ये जो वेव फॉर्म है अगर ऐसे आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो फेज़र है वो एंटी क्लॉकवाइज में जाता है इसीलिए हम लोग अगर एंगल पॉजिटिव है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं फेज़र रिप्रजेंटेशन में ये बात क्लियर हुई अब आगे चलते हैं हम लोग इंडक्टेंस वाले डायग्राम पर क्लियर है यहाँ तक इसीलिए जो हमारा करंट का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो क्या लिया है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू माइनस लिया है क्यों क्योंकि करंट हमारा क्या है लीडिंग है सॉरी लैगिंग है इंडक्टेंस के केस में ठीक है तो कंक्लूड uh, क्या कर सकते हैं हम लोग फेस शिफ्ट कितना डिग्री है इसमें नाइन्टी डिग्री प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फेस शिफ्ट होता है वोल्टेज और करेंट के बीच का वो नाइन्टी डिग्री होता है और जो हमारा वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट को ठीक है या हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इस चीज़ को याद रखने के लिए आप एक सिविल नाम का मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रिक लिया हुआ है जिससे आप याद रख सकते हैं सिविल अगर आप बोलेंगे तो सिविल में वी आई एल लीजिए देखिए यहाँ पे वी आई एल को लीजिए कंसिडर करिए वी आई एल ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए तो देखो यहाँ पे वी आई एल में जैसे एल के लिए ले रहे हैं इंडक्टेंस के लिए तो इसलिए वी आई एल लिए ऐसा तो एल को छोड़ दो एल का कोई काम नहीं है अभी अब यहाँ पे देखो कि पहले कौन सा लेटर आता है जैसे आप सिविल लिखोगे सी आई ठीक है ये इसको छोड़ दो इसके बाद वी आई एल लिखोगे वी आई एल ऐसा तो कौन सा लेटर पहले आ रहा है पहले कौन सा आ रहा है वी तो वी क्या करेगा लीड करेगा उसके बाद कौन सा आ रहा है आई आ रहा है तो आई क्या करेगा लैग करेगा समझ में आया जो पहले आ रहा है वो लीड कर रहा है समझ में आया बात तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो इन सर्किट कंटेनिंग बोथ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस अब देखिए प्रैक्टिकली बताऊँ तो सिर्फ कॉइल नहीं होता कॉइल में सिर्फ इंडक्टेंस नहीं होता उस इंडक्टेंस में कुछ रेजिस्टेंस होता ही है तो अगर आ, इंडक्टेंस के साथ साथ कुछ रेजिस्टेंस हो मतलब कि वो प्योर इंडक्टिव सर्किट ना हो करके आर एल सर्किट बन जाए तो आर एल सर्किट के अंदर है ना किस तरीके का रिलेशनशिप होगा वो देखते हैं तो देखो आर एल सर्किट के अंदर द करेंट विल लैग द वोल्टेज बाय एन अमाउंट बिटवीन प्रैक्टिकली ज़ीरो डिग्री सेल्सियस एंड ऑलमोस्ट माइनस नाइन्टी डिग्री सेल्सियस सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्री <coughs> मतलब कि आपका जो वोल्टेज है वी एल और जो आपका करंट है आई इंडक्टर का करंट है इंडक्टर के थ्रू आई और वोल्टेज है वी एल तो अगर आपका सर्किट कैसा है आर एल सर्किट है तो आर एल सर्किट के लिए जो वोल्टेज का जो क्या आएगा आपका फेज़र आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा मतलब कि अगर इसको हम क्या ले लें ज़ीरो डिग्री और इसको ले लें हम नाइन्टी डिग्री ठीक है तो हमारा वैल्यू किसके बीच में आएगा जीरो डिग्री और नाइन्टी डिग्री के बीच में यहाँ पर लाई करेगा जैसे कि अभी हमारा जो फेज़र ओ बी है वो क्या बता रहा है वी वोल्टेज को बता रहा है जिसमें वी के अंदर क्या है आई इंटू जेड और जेड क्या बता रहा है आर प्लस जे एक्स एल को जिसमें रजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है तो इस तरीके से जो फेज शिफ्ट होगा वो एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री ना हो करके जीरो से नाइन्टी डिग्री के बीच में होता है ठीक है और नाइन्टी डिग्री कब होगा जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा और जीरो डिग्री कब होगा जब प्योर रजिस्टिव सर्किट होगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आगे देखते हैं कैपेसिटेंस इन अ एसी सर्किट अगर हम एसी वोल्टेज सोर्स से कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से वेवफॉर्म बनेगा ठीक है <coughs> इन ए सी सर्किट्स वोल्टेज एंड करंट आर चेंजिंग कंटिन्यूसली दोनों ही क्या होते हैं कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है दैट इट अपोजेज द चेंज इन वोल्टेज ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है इसलिए जो हमारा वोल्टेज वेव फॉर्म होता है वो डिले हो जाता है करंट वेब फॉर्म से ठीक है वोल्टेज वेव फॉर्म क्या हो रहा है देखो डिले हो जाता है करंट वेव फॉर्म से ये हमारा करंट वेव फॉर्म है ये पहले आ रहा है ठीक है पहले ऑकर हो रहा है और बाद में कब दूसरा वोल्टेज वेब फॉर्म ऑकर हो रहा है देखो सेकेंड टाइम पर तो जो हमारा 90 डिग्री पर आ रहा है वो क्या है करंट है ब्लू कलर में पीक वैल्यू और जो हमारा 180 डिग्री पर आ रहा है वो क्या है वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस का पीक वैल्यू है उसका ठीक है तो यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है आपको कि जो हमारा कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो क्या होता है लैग करता है तो इसीलिए हमने वेब फॉर्म पर क्या दिखाया है वोल्टेज को लैगिंग दिखाया है और करंट को लीडिंग दिखाया कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि लीडिंग क्या है लैगिंग क्या है तो मैं आपको समझा दिया हूँ क्या होता है एंटी क्लाक वाइज में जाता है फेज़र फेज़र क्या जाता है एंटी क्लाक वाइज में पॉजिटिव होता है ठीक है तो आप देखिए इस डायरेक्शन में अगर आप एंटी क्लाक वाइज घूमेंगे तो पहले कौन सा आ रहा है पहले क्या आ रहा है आई सी आ रहा है इसलिए आई सी क्या है लीडिंग है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लीडिंग है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ठीक है इसका मतलब क्या हुआ आई लीड आई लीड वी मतलब आई इज लीडिंग वी करेंट लीड वोल्टेज इन कैपेसिटिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तो इस तरीके से है ना देयर फॉर अ फेस शिफ्ट अकरिंग इन द कैपेसिटर द अमाउंट ऑफ फेस शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज प्लस नाइन्टी डिग्री फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट विद द करंट लीडिंग द वोल्टेज करंट इसमें लीड करता है वोल्टेज लैग करता है ये क्या होता है इसका जो फेस शिफ्ट होता है अपोजिट होता है इंडक्टिव सर्किट के तो इंडक्टिव सर्किट में जो फेस शिफ्ट कितना आ रहा था 90 डिग्री आ रहा था माइनस नाइन्टी और कैपेसिटिव में क्या आ रहा है प्लस नाइन्टी डिग्री आ रहा है तो ये फेस शिफ्ट का अलग अलग हमने यहाँ पर स्टडी किया है वेब फॉर्म्स में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा करंट है यहाँ पर क्या है लीडिंग है और जो हमारा वोल्टेज है वो लैगिंग पोजिशन पर है अगर हम एंटी क्लाक डायरेक्शन से एज्यूम करें तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे यहाँ पर पाई बाई टू से दिखाया गया है क्या कितना एंगल है तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू